हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यस वीकेंड में। आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बेस्ड ऑन एम लक्ष्मीकांत। यह सीरीज सिविल सर्विसेज, पीएससी और अन्य एग्जाम्स जहां इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है के लिए उपयोगी है। इस सीरीज के पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। यह इस सीरीज का 55वां चैप्टर है, जिसमें हम केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन CIC के बारे में, और इसके अलावा जो है 56 चैप्टर जिसमें हम राज्य सूचना आयोग, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानने वाले हैं, SIC के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो मेरे द्वारा, चंद्र प्रकाश पात्री द्वारा बनाया गया है, और यदि आपको यह वीडियो, यह सीरीज पसंद आती है तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं आज का इंडेक्स। आज हम CIC देखने वाले हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। इसके अलावा इसकी संरचना, इसका कार्यकाल और इसके जो कार्य और शक्तियाँ हैं वो हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले CIC है क्या जान लेते हैं। तो CIC जो है केंद्रीय सूचना आयोग, RTI अधिनियम 2005 में इसका प्रोविज़न था कि सेंट्रल के लेवल पे CIC और स्टेट के लेवल पे SIC। तो सेंट्रल के लेवल पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट के लेवल पे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग जो है उसका गठन होगा। तो RTI 2005 के प्रावधान के माध्यम से इसका गठन हुआ। ये एक स्वायत्त निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और सांविधिक निकाय है, स्टेटरी बॉडी है। मतलब इसका क्या है, इसका जो नेचर है वो क्या है, स्वायत्त है, इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट से स्वतंत्र है। दूसरा, यह एक वैधानिक निकाय है, मतलब किसी कानून के माध्यम से इसका निर्माण हुआ है, स्टेट्यूटरी एक बॉडी है। ये केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के तहत, अब हम क्या बात कर रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर रहे हैं। तो ये केंद्रीय जो अभिकरण या केंद्र सरकार है उसके अधीन काम करेगा, मतलब उसके जो संरचना है उसमें ये काम करेगा। केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन आने वाले जितने भी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वित्तीय संस्था, ये सब जो है उनसे संबंधित शिकायत और अपील पर ये कार्रवाई करता है। ठीक है, तो CIC क्या है, मूल रूप से RTI एक्ट 2005 के अधीन इसका गठन हुआ था। एक स्वायत्त निकाय है और एक सांविधिक निकाय है, एक इंडिपेंडेंट और स्टेट्यूटरी एक बॉडी है। और ये केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के जितने भी अभिकरण, कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उन सब में क्या है, उनमें RTI से संबंधित कोई शिकायत है, कोई अपील है, उस पर कार्रवाई करेगा। इसकी संरचना देख लेते हैं। CIC में एक मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे और इसके अलावा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं, 10 से अधिक इसमें नहीं होंगे। तो एक क्या होंगे, CIC होंगे, और इसके अलावा मैक्सिमम 10 अदर जो है वो IC हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कमीशन कमिश्नर हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पे होती है। अब उस समिति में 3 लोग होते हैं, एक होते हैं प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री सामान्यतः कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो ये 3 सदस्यीय मेंबर होते हैं। राज्यों में हम देखेंगे तो राज्यों में PM की जगह CM हो जाएंगे, लोकसभा के जगह विपक्ष के नेता जो है विधानसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे, और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री की जगह वहाँ पर एक क्या हो जाएंगे, आपके राज्य के कैबिनेट जो मंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा नामित होंगे वो हो जाएंगे। ये जो सदस्य है जो हम अभी इसके लिए आयोग में नियुक्त कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त हो, मतलब उसका प्रॉपर अनुभव हो, इसके साथ साथ उसको कानून की जानकारी हो, प्रबंधन, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन व शासन, मास मीडिया, सामाजिक सेवा, इन सब का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में एक व्यापक महत्व रखता है, उन्होंने अच्छा अनुभव प्राप्त किया सार्वजनिक जीवन में, कानून का जानकार है, प्रबंधन, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, शासन, मास मीडिया, सामाजिक सेवा, इन सब का उनको, इनमें से किसी का या इनमें से सभी का क्या है, उसको प्रॉपर अनुभव हो, तो व्यक्ति क्या है वो CIC बनने के लिए योग्य हो सकता है, पात्र हो सकता है। ये जो सदस्य है वो किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश या विधानसभा का क्या नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब ये संसद का या फिर आपका जो विधानसभा है वहाँ का मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी व्यवसाय के साथ वो जुड़ा नहीं होना चाहिए। इसके पास कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए या लाभ का कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। तो कंडीशन क्या है इसके नहीं होने का, एक तो वो विधानसभा या संसद का मेंबर ना हो, दूसरा कोई भी दल का वो सदस्य ना हो, या किसी ऐसे व्यवसाय से नहीं जुड़ा हो जो लाभ से संबंधित है, या फिर वो किसी लाभ के पद में ना हो। तो ये सब कंडीशन ना हो, और बाकी जो पिछला जो हमने इसके कंडीशन देखे, सार्वजनिक जीवन में इसकी ख्याति हो, तो ये सब क्या है, ये कंडीशन को अगर कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो क्या हो सकता है, CIC बन सकता है।
अब इसका कार्यकाल देखते हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य जो आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 5 साल और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का होता है। तो ये मैक्सिमम कितना है, 5 साल तक काम करेंगे या फिर उनकी 65 वर्ष की जो एज है वो होते तक वो काम करेंगे। कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनकी पुनर्नियुक्ति जो है वो नहीं हो सकती, वो फिर से CIC या मेंबर नहीं बन सकते। कार्यकाल समाप्ति के बाद इनको केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई भी पद नहीं दिया जा सकता, ये किसी पद के योग्य नहीं होती है। इनके इंडिपेंडेंस या जो स्वायत्तता है उसको सुनिश्चित करने के लिए होता है। अगर इनको कार्यकाल समाप्ति के बाद कोई पद दिया जाता तो ऑब्वियसली ये बायस डिसीजन देंगे। राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल, अगर राज्य की कंडीशन देखें तो राज्यपाल के द्वारा होता है जो राज्य सूचना आयोग है उसका। यहाँ हम CVC की बात कर रहे हैं, CIC की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति कुछ आधारों पर इनको हटा सकते हैं। क्या क्या आधार है इनके, यदि ये दिवालिया हो जाए या मानसिक या शारीरिक रूप से वो अक्षम है। कब, राष्ट्रपति की नज़र में। नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में इनको दोषी करार दिया गया है, ये भी राष्ट्रपति की नज़र में। कार्यकाल के दौरान यदि उनको किसी प्रकार का सवैतनिक रोजगार में वो संलग्न है, मतलब लाभ के पद में है, तब ऐसा लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिनसे उनका कार्य या निष्पक्षता जो है वो प्रभावित होती है। तो ये 3-4 कंडीशन है जिस आधार पे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। पहला, दिवालिया या मानसिक या शारीरिक रूप से वो अक्षम है, इसके लिए प्रॉपर एक जांच होती है और उस जांच के बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट जांच करती है। जांच करने के बाद यदि उनके ऊपर जो दोष है, एक तो सिद्ध कदाचार वाला जो है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, इन दो चीज़ों की जांच होगी, उच्चतम न्यायालय सर्टिफिकेट देगा कि जांच में ये सही पाया गया और ये क्या है, सिद्ध कदाचार के दोषी हैं, मतलब कदाचार के दोषी हैं, या तो ये अक्षम है शारीरिक या मानसिक रूप से। उस कंडीशन में क्या करेंगे, राष्ट्रपति इनको हटाएंगे। बाकी नैतिक चरित्रहीनता और बाकी जो चीज़ें हैं, सवैतनिक रोजगार या कोई लाभ का पद है या फिर किसी ऐसे रोजगार में संलग्न है जिससे उनका कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है, कार्य और निष्पक्षता। वेतन और भत्ते, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं उनको जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनके समान क्या होता है, वेतन और भत्ते और सुविधाएं जो हैं मिलती हैं। कार्यकाल के दौरान इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इनके वेतन भत्ते सेवा शर्त में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यदि इनकी सैलरी जो है वो अगर 1 लाख है तो ये 1 लाख से बढ़ा के 1.2 लाख कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि इसका सैलरी घटा के 90,000 कर दिए। या इनको सपोज जो है एक्स टाइप का जो बिल्डिंग है या जो बंगला है वो अलॉट होता है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि उससे लोअर लेवल का कोई बिल्डिंग का टाइप उसको अलॉट कर देंगे। मतलब उनकी सुविधाएं कम नहीं करेंगे इनके कार्यकाल के दौरान। कार्यकाल के दौरान इनकी जो सुविधाएं, वेतन भत्ते और बाकी जो चीज़ें वो बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं या फिर ऐसे पोस्ट हैं जिनमें स्वायत्तता की ज़रूरत है वहाँ पर ये लागू होता है। इनके कार्य और शक्तियाँ देख लेते हैं। तो आयोग का काम क्या है, वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त कुछ शिकायत या अपील जो है, RTI में आपको पता होगा, RTI के मामलों में जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, सरकार के जितने अभिकरण हैं वहाँ से सूचना प्राप्त कर सकता है। यदि सूचना देने के लिए जो प्राधिकारी है वो मना कर रहा है, जन सूचना अधिकारी, या उसकी बात नहीं मान रहा है या गलत सूचना दे रहा है, उस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है या तो शिकायत कर सकता है। तो पहला है, यदि निर्धारित जो समय अवधि, जो पहला जो प्रारंभिक अपील है वो 30 दिन के अंदर क्या है, प्रॉपर सूचना देना होता है। पहला 30 दिन, फिर 45 दिन, ऐसे करके 3-4 स्टेप हैं। तो यदि निर्धारित समय अवधि में संबंधित जो जन सूचना अधिकारी है उसने जानकारी नहीं दी है, सूचना नहीं दी है, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कर सकता है, शिकायत या अपील करेगा। अपील पर जो आगे की कार्रवाई है वो जो केंद्रीय सूचना आयोग है वो करेगा। दी गई जानकारी यदि अधूरी है, भ्रामक है, गलत है, या प्राप्त जानकारी किसी दूसरे मामले से संबंधित है, तो भी ऐसे मामले में कार्रवाई करेगा। एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति के अभाव में इस अधिनियम का यदि क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, मतलब पहले तो RTI एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि हर जो कार्यालय है, जो कि लोक प्राधिकारी का कार्यालय है, चाहे वो कितना छोटा से छोटा कार्यालय हो या बड़ा से बड़ा कार्यालय हो, हर जगह एक जन सूचना अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति होगी। और सामान्यतः यदि नियुक्ति नहीं भी हुई है तो उस कार्यालय का जो प्रमुख है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जन सूचना अधिकारी होता है। तो यदि नियुक्ति नहीं की गई है, किसी को असाइन नहीं किया गया है और उस कारण से इस एक्ट का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो ऐसे
मामले में भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। शुल्क के रूप में जो ITI के रूप में जो फीस ली जाती है, सामान्यतः जो 10 रुपये की जो शुल्क होती है एक सूचना के लिए, तो वो यदि कुछ राज्य क्या है इस फीस को बढ़ा देते हैं या फिर जो अपील वाला जो फीस है वो बढ़ा देते हैं या प्रक्रिया इसको जटिल कर देते हैं, तो ये सब यदि अधिक है या अनुचित है तो ऐसे कंडीशन में भी ये क्या है इसमें संज्ञान लेता है। किसी जन सूचना अधिकारी ने जानकारी देने से यदि मना कर दिया है तो ऐसे कंडीशन में भी क्या है ये कार्रवाई कर सकता है। इन केस उचित आधार है और आयोग जो है इस मामले का क्या कर सकता है, कोई भी मामला अगर है और उसको लग रहा है कि इस मामले में प्रॉपर रीज़न है, प्रॉपर आधार है, तो ऐसे कंडीशन में आयोग क्या कर सकता है, किसी मामले में जांच के आदेश दे सकता है कि संबंधित जो जानकारी है क्यों नहीं दी गई, या संबंधित जो व्यक्ति है या प्राधिकारी है उसने इस अधिनियम का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया। आयोग के पास लोक प्राधिकरण के द्वारा अपने फैसले के अनुपालन को सुनिश्चित कराने की शक्ति है। मतलब आयोग ने क्या किया, इसके पास अपील आई या इसके पास कंप्लेन आई और इसने क्या किया, कोई डिसीजन दिया, तो डिसीजन दिया तो आप डिसीजन को मानना क्या है, मानेगा कौन, एग्जीक्यूटिव। तो जो लोक प्राधिकारी है उससे इस अपने डिसीजन को फॉलो कराने की शक्ति है। यदि वो फॉलो नहीं करेगा तो उसको क्या करेंगे, ये पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट क्या होगा इसमें, एक दिन का जो पनिशमेंट होता है ऑलमोस्ट अलग अलग अमाउंट है, 250 रुपीज पर डे के हिसाब से फाइन पड़ता है, वो आप देख लीजिएगा क्या फाइन है, वो हम ITI जब देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। तो ये क्या करता है, इन्फोर्स करता है इस चीज़ को, और यदि कोई इसकी बात नहीं मान रहा है तो उसको फाइन करता है, उसकी सैलरी से जो फाइन है वो काटा जाता है लोक प्राधिकारी के। यदि लोक प्राधिकरण ITI 1/2005 के प्रावधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो आयोग क्या करता है, आवश्यकता हिसाब के अनुसार सुधार के लिए सरकार को सिफारिश कर सकता है कि ये चीज़ें हैं इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जांच के दौरान सभी सार्वजनिक विवरण जो है उसको जांच के लिए आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब यदि जांच इन्होंने किया है या कर रहे हैं तो जो भी जिस प्राधिकारी की ये जाँच कर रहे हैं तो उससे संबंधित जितने भी मामले संबंधित विवरण हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सब चीज़ें इनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। जांच के दौरान आयोग के पास एक सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। मतलब ये क्या है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। तो यह एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है और एक न्यायिक निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है, ठीक है। तो एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आयोग इस अधिनियम के क्रियान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और ये जो रिपोर्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार इसको क्या करता है, प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराता है। अपील जो है उसका, जो भी अपील इसके पास आती है, यदि जो लोअर जो अथॉरिटी है, केंद्रीय जो अधिकारी है, उसने क्या किया है, उसने किसी मामले में सूचना नहीं दिया है, गलत दिया है, यदि जो व्यक्ति है जिसने सूचना मांगी है वो असंतुष्ट है तो वो क्या है, अपील कर सकता है। तो अपील के संबंध में डिसीजन लेना इसका काम है। डॉक्यूमेंट्स के रखरखाव के लिए निर्देश दे सकता है। स्वप्रेरणा से प्रकटन के निर्देश, स्वप्रेरणा से प्रकटन का क्या मतलब होता है, जैसे एक ऑफिस है, इस ऑफिस में बहुत सारे कुछ बेसिक डिटेल्स होंगे, जैसे इस ऑफिस में कितने कर्मचारी हैं, इस ऑफिस में जो एक्सपेंडिचर है वो कैसा होता है, या कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इसके अलावा इस ऑफिस में कितने जो हैं वो संपत्ति है, संपत्ति मतलब हो सकता है लैंड के फॉर्म में हो, फर्नीचर के फॉर्म में हो, या कोई अन्य चीज़ों के फॉर्म में हो, तो वो सब चीज़ों जो बेसिक चीज़ें हैं जो प्रकट करना अनिवार्य है, वो सबको स्वप्रेरणा से प्रकट कर सकता है। ITI दाखिल करने में यदि असमर्थ हो रहा है कोई व्यक्ति किसी कारण से, या उसकी शिकायतों को नहीं लिया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों की जांच के लिए तो ये सब काम ये करेंगे। इसके अलावा आर्थिक दंड, सुनवाई और प्रतिवेदन, ये सबसे जुड़ी जो शक्ति हैं वो भी होंगे। तो ये आर्थिक दंड दे सकता है यदि कोई लोक प्राधिकारी ITI के एक्ट को क्रियान्वित नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसको पनिशमेंट दे सकता है, पनिशमेंट आर्थिक रूप से भी हो सकता है। आयोग के जो निर्णय हैं वो अंतिम होंगे और बाध्यकारी होंगे, लेकिन इन केस अगर कोई पक्ष क्या है इससे सहमत नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकता है। तो ये सब इसके कंडीशन हैं। ये है 56 चैप्टर, जिसमें हम राज्य सूचना आयोग, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखेंगे। अभी हमने देखा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन CIC के बारे में देखा, अभी हम देख रहे हैं SIC के बारे में। ये दोनों क्या है, लगभग सेम प्रोविज़न है, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में इसको कवर कर दिया। लगभग सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इसके कार्य क्षेत्र का अंतर है। CIC जो है वो केंद्रीय जो अभिकरण है वहाँ काम करता है, SIC जो है स्टेट के जो अथॉरिटी है वहाँ काम करता है। CIC केंद्र के लिए है, SIC जो है राज्य के लिए है।
कंटेंट आज का इंडेक्स क्या है, इसमें राज्य सूचना आयोग के बारे में देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, कार्य और शक्तियाँ देखेंगे। तो शुरू करते हैं, SIC जो है वो है क्या। SIC प्रत्येक राज्य में RTI अधिनियम 2005 के प्रावधान के माध्यम से इसका गठन हुआ है। यह एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, इंडिपेंडेंट और स्टेचुरी बॉडी है, और यह एक क्वासी जुडिशियल निकाय है। हमने देखा था जो CIC है वो क्या है, क्वासी जुडिशियल निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है, यह भी एक अर्धन्यायिक निकाय है। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, वित्तीय संस्थाएँ या जो भी हैं, उन सब से संबंधित शिकायत और अपील, ITI से संबंधित जो शिकायत और अपील है, उन सब पे कार्रवाई करता है। इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त, और इसके अलावा 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है एक समिति की सिफारिश पे। समिति में अगेन मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे, और मुख्यमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होंगे। वहाँ पर क्या था, प्रधानमंत्री था। इसके अलावा बाकी सभी जो फीचर्स हैं वो क्या है, वो सेम है CIC के समान। इसमें जो इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। कार्यकाल और उनके कार्य, सेवा जो शर्तें हैं, कर्तव्य, सब समान है। तो इसके आगे हमको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको पोस्ट वाले सेक्शन में भी मिल जाएंगे, कम्युनिटी वाले सेक्शन में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उस क्वेश्चन के आंसर कीजिए, कमेंट में बताइए इसका आंसर, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।